नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। विकास खंड की ग्राम पंचायत लोंदिया के सचिव व रोजगार सहायक द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना में फॉर्म भरने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों की शासकीय कर्मी होने व सेवानिवृत्त होने की जानकारी लगी। उनके इस मामले की जानकारी जब सीओ डॉली परतेती को दी तो परतेती ने प्रथम दृष्टि जाँच करते हुए 11 लोगों को 3 दिवसीय नोटिस जारी कर उनके सक्षम पूरी जानकारी लाने के आदेश दिए हैं। नोटिस पाने वाले 11 लोगों में 4 सेवानिवृत्त कर्मी भी शामिल है। मेरे पास में ग्राम पंचायत के सचिव रोजगार सहायक का एक पत्र आया है ग्राम पंचायत से कि 12 लोगों ने करीब गलत तथ्य दिए हैं हम लोगों को और पंचायत में भी कि वे फसल ऋण माफी में लाभ लेना चाहते हैं, जबकि इसमें कुछ पटवारी हैं और अध्यापक हैं और एक विश्वविद्यालय के LDC पद पर पदस्थ हैं और सैनिक पद पर भी हैं। तो इन लोगों को हमने अभी नोटिस जारी किया है कि इनके द्वारा तथ्य छुपाया गया है जो कि गलत है। अगर हमें लाभ फसल ऋण माफ़ी में लाभ देना है हितग्राहियों को, किसानों को, तो वह सही व्यक्ति को जाए जो नियमानुसार है। तो इसमें अभी नोटिस जारी किया है मैंने कि उनके जो नोटिस के आधार पर ये उनसे जानकारी मांगी गई है कि क्या वे अभी इस पद पर हैं या उन्होंने पद छोड़ दिया है या फिर उनके डॉक्यूमेंट की जाँच में की जानी है। तो आगे अगर पाए जाते हैं अवैध तो क्या कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर? जी बिल्कुल, मैं प्रेषित करूंगी अपने लेवल पे जिलाधिकारियों से मैं संपर्क करूंगी। सोनका से योगेश ओझा की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।